बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरु जी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरु जी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, हाथ दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरु जी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरु जी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरु जी? गुरु जी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरु जी ने एक दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली देखी, उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम समय नष्ट न करो, घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातुन काटने के लिए किया करता था। उस चाकू से पहली नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी, हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरु जी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरु जी। यह देखकर गुरु जी द्रवित हो उठे और उन्हें उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरु जी बोले, अब तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा, दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह विद्यार्थी कौन था? वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पर्वी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 27 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रामर अब तक नहीं बना। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम की दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।